आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग ट्रांजिशन कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसके लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। यदि हम लोग किसी स्ट्रेट रोड पे चल रहे होते हैं और उसमें ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइडेड है तो क्या होगा कि सडन चेंज फ्रॉम द रेडियस इन्फिनिटी, जो स्ट्रेट रोड का जो रेडियस होता है दैट इज इन्फिनिटी, और जब हम किसी सर्कुलर कर्व में चल रहे होते हैं तो उसका रेडियस आर होता है, उसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा होता है। तो जैसे ही हम लोग फ्रॉम इन्फिनिटी रेडियस से रेडियस आर जो सर्कुलर कर्व का रेडियस होगा उसमें इंट्री करेंगे तो देयर विल बी सडन जर्क टू द पैसेंजर एज वेल एज टू द व्हीकल। उसको अवॉइड करने के लिए और ड्राइविंग सेफ ड्राइविंग के लिए हम लोग को ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना होता है जिसके रेडियस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ग्रेजुअली अप टू आर हो टू एकोमोडेट द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो जो अब्रप्ट चेंज को अवॉइड करने के लिए जो कर्व इंट्रोड्यूस किया जाता है दैट इज नोन एज ए ट्रांजिशन कर्व टू अवॉइड द अब्रप्ट टू अवॉइड अब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन चेंज टू अवॉइड अब्रप्ट अब्रप्ट जर्क अब्रप्ट जर्क टू द व्हीकल ए ट्रांजिशन ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड between the state road and circular road with gradually varying radius gradually varying radius। तो जो एक स्ट्रेट रोड और एक सर्कुलर सर्कुलर कर्व के बीच में जो हम एक कर्व प्रोड्यूस करते हैं जिसका रेडियस ग्रेजुअली वेरिंग होता है उसको हम लोग ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट रोड स्टेशन ए से आ रही है और उसको एक सर्कुलर कर्व पे जाना है, उसके बाद फिर उसको दूसरे डायरेक्शन में निकल जाना है। उसके लिए फ्रॉम द इन्फिनिटी जो इसका स्ट्रेट रोड का रेडियस इन्फिनिटी है टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर एक ट्रांजिशन कर्व हैज बीन प्रोवाइडेड। जो ट्रांजिशन कर्व जो प्रोवाइड किया गया है उसका जो रेडियस है वो इन्फिनिटी टू आर होता है, सो दैट जो अब्रप्ट अब्रप्ट जर्क है जो ड्राइविंग पर जर्क है उसको ना महसूस हो और क्या कहते हैं आराम से वो ट्रांजिट करके सर्कुलर कर्व पे आ करके फिर वो अपने स्टेशन बी के लिए निकल जाए। इसके लिए एक हम लोग कर्व प्रोवाइड करते हैं दैट इज नोन एज ए ट्रांजिशन कर्व। तो ये ट्रांजिशन कर्व के चार महत्वपूर्ण योगदान है। पहला तो ये टू अवॉइड द जर्क वो स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व। दूसरा होता है जो हम सुपर एलिवेशन फॉर सर्कुलर कर्व प्रोवाइड किए होते हैं, जो सुपर एलिवेशन फॉर सर्कुलर कर्व प्रोवाइड किए होते हैं थ्रू आउट सर्कुलर कर्व वो सेम होता है, बट सर्कुलर कर्व के बाद और स्ट्रेट रोड के जो स्ट्रेट रोड पे एक क्रॉस स्लोप के साथ आ रहा होगा उसके लिए भी एक लेंथ की जरूरत होती है टू सुपरवेशन को ट्रांजिशन करने के लिए। फ्रॉम जीरो जो भी मान लीजिए जो सीधी रोड आ रही है उसका हम कहते हैं कि जीरो है सुपरवेशन देयर इज नो सुपरवेशन एंड इट इज हैविंग सम सुपरवेशन ऑफ ई वैल्यू। मान लीजिए हम कहते हैं 260 mm का एक सुपरवेशन है उसका जीरो है, फ्रॉम जीरो टू 260 mm आने के लिए भी एक लेंथ की जरूरत होगी जो कि उसका लेंथ दिया गया है कि कितना कितना उसका ग्रेडियंट होना चाहिए, कितने दूर में उसको मिलना चाहिए, वो IRC में दिया हुआ है। उसके लिए भी एक ट्रांजिशन कर्व की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं बिटवीन सर्कुलर एंड स्ट्रेट रोड टू चेंज द
रेडियस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रेडियस ऑफ कर्व एंड टू एकोमोडेट द सुपरपोजिशन प्रोवाइडेड फॉर द सर्कुलर कर्व. सो ट्रांजिशन कर्व ट्रांजिशन कर्व इज ए कर्व. ट्रांजिशन कर्व इज ए कर्व इन प्लान प्रोवाइडेड टू चेंज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट फ्रॉम स्ट्रेट टू सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली. इट मीन्स जो ट्रांजिशन कर्व होगा वो ग्रेजुअली फ्रॉम जो रेडियस स्ट्रेट रोड का रेडियस इन्फिनिटी टू आर में लेके जाएगा. इट मीन्स द रेडियस ऑफ कर्व प्रोवाइडेड बिटवीन स्ट्रेट रोड एंड सर्कुलर रोड सर्कुलर कर्व इज हैविंग रेडियस फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इन्फिनिटी टू आर. ये जब हम किसी कर्व को जब सर्कुलर कर्व को अप्रोच कर रहे होंगे तो इन्फिनिटी टू आर एंड वाइस वर्सा ये हम उससे एग्जिट कर रहे होंगे and from R to infinity and from R to infinity. अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड वो ग्रेजुअल चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हम इसको चार कारणों से प्रोवाइड करते हैं. एक तो ग्रेजुअल चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो स्ट्रेट रोड से सर्कुलर कर्व में आने लगे तो इंट्रोडक्शन जो उसका हो वो ग्रेजुअली हो. टू इंट्रोड्यूस तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू इंट्रोड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली. फिर टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड फॉर सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली. टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड फॉर सर्कुलर कर्व ग्रेजुअली. फिर वो ड्राइविंग कंफर्ट भी होना चाहिए और कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए और जो मैकेनिकल जो वाइडनिंग करेंगे फॉर मैकेनिकल व्हीकल्स उसके लिए भी क्या कहते हैं ये ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है. तो ट्रांजिशन कर्व कितने प्रकार के होते हैं. टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व आईआरसी में ट्रांजिशन कर्व
जो यूज किया जाता है वो स्पाइरल कर्व है। इसके अलावा भी जो हम लोग कहीं क्या कहते हैं जंक्शन डेवलप कर रहे होते हैं या क्लोवर डी बना रहे होते हैं या कोई फ्लाईओवर या कोई रेलवे के अलाइनमेंट है, वहां पे हम लोग दूसरे भी ट्राइसन कर्व यूज करते हैं, बट फॉर दी हाईवे पर्पज इट इज स्पाइरल कर्व। तो ये तीन प्रकार के बेसिकली कई प्रकार के होते हैं बट तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होता है स्पाइरल कर्व जो हाईवे में यूज किया जाता है, जिसको IRC ने भी रिकमेंड किया स्पाइरल कर्व। दूसरा होता है क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला। और थर्ड होता लेमनस्केट। ये तीन तरह के मुख्यतः हाईवे में भी यूज किए जाते हैं बट रेयरली यूज किए जाते हैं। जहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वहां पे क्यूबिक पैराबोला एंड बर्नौली लेमनस्केट यूज किया जाता है, अदरवाइज इन जनरल प्रैक्टिस इट इज ए स्पाइरल कर्व। तो स्पाइरल कर्व यूज टू ओवरकम अब्रप्ट चेंज इन द कर्वेचर, मतलब कि हम जीरो कर्वेचर से आ रहे होते हैं और आर कर्वेचर पे जाना होता है, उसको एकोमोडेट करने के लिए स्पाइरल कर्व प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग कोई व्हीकल सीधे आ रही है उसको इस कर्व पे जाना है, जब उस कर्व के लिए जाना होता है तो उसको हम लोग एक इंट्रोड्यूस एक स्पाइरल कर्व से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसका रेडियस इंफिनिटी से आर जो सर्कुलर कर्व होगा उसके बराबर हो जाता है। वो जब हम यदि कर्व के ट्रांजिशन कर्व न प्रोवाइड कर रहे होते तो वो कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, ये टेंजेंट लाइन है, ये स्ट्रेट रोड ऐसे आ रही होती है और यहाँ से अब्रप्टली ये जो जो कर्व यहाँ पे आकर के और ये ट्रांजिशन कर्व के साथ मर्ज होकर आगे निकल गया है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा होता है। और जो दोनों के जो ओरिजिनल कर्व जहाँ होना चाहिए था विदाउट शिफ्ट, मतलब कि विदाउट ट्रांजिशन कर्व, और जहाँ पे लगाया गया है जहाँ पे उसको एक्चुअली में प्रोवाइड किया गया है, उसके बीच के जो शिफ्ट होता है उसको शिफ्ट कहते हैं, दैट इज गिवन बाई L²/24R। उसको सेटिंग आउट के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग एक अलग वीडियो सर्वे के वीडियो में इसके डिटेल की स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रांजिशन कर्व है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे स्टडी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो स्पाइरल कर्व जो होता है ये हम लोग बहुत देखते हैं, वो सेंटर से स्टार्ट होगा विद जीरो रेडियस एंड इट विल विद द वैल्यू एक्स एंड वाई। यदि हम एक्स के टर्म में दिया रहेगा, इस वाई की वैल्यू हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन इनपुट करते चले जाएंगे तो वी विल गेट द दिस कर्वेचर। और जहाँ तक जरूरत होती है वैसे क्या कहते हैं यूज कर लेते हैं, दैट इज स्पाइरल कर्व। इसके बारे में हम लोग एक डिटेल में कैसे इसको कैसे ट्रांजिशन लेंथ कैलकुलेट करते हैं और ट्रांजिशन लेंथ के लिए स्पाइरल कर्व के ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसको सेटिंग आउट के लिए क्या जरूरत होती है उसकी अलग से स्टडी कर लेंगे। क्यूबिक पैराबोला जीरो से स्टार्ट होगा वाई के वैल्यू वाई और एक्स की वैल्यू में, यदि हम वाई की वैल्यू देते चले जाएंगे तो हम लोग एक्स की वैल्यू मिलती चली जाएगी। इसका भी फॉर्मूला है और इनिशियल से भी हम लोग इसको डिराइव करके देख लेंगे। और वो है दूसरा है लेमनस्केट कर्व जो जीरो से स्टार्ट होता है, इट विल वेरी विद द वैल्यू ऑफ वाई एंड देन इट विल कम टू दी ओरिजिन अगेन इट विल गो टू दी दिस थिंग। तो एलिमिनेट कर्व है हम लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ेगी स्पाइरल कर्व एंड क्यूबिक पैराबोला की जरूरत पड़ेगी, इसको डिटेल में सर्वे के लेक्चर्स में स्टडी कर लेंगे। अब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बेस्ड अपॉन द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। यदि वो ग्रेजुअली जब गाड़ी क्या कहते हैं स्ट्रेट से वो सर्कुलर कर्व की तरफ जा रही होगी तो जो रेडियस होगा वो ग्रेजुअली बढ़ेगा। जैसे कि जो फुल जब आ जाता है तो होता है MV²R, MV²R जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, बट ये आर की वैल्यू इट विल स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी जीरो, MV²/R इन्फिनिटी देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी जीरो। सून आर आर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बढ़ते जाएगा एंड देन उसका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। हम लोग जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन जो लीनियर फोर्स होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन गिवन बाय एम इनटू ए, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इट इज गिवन बाय MV²/R, MV²/R। तो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा
सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन होगा, दैट इज बी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन विल बी बी स्क्वायर बाई जो होगा एफ इक्वल टू एम ए, लीनियर है, और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है एम बी स्क्वायर बाई आर, दोनों को इक्वेट करने से हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन का मान ए बराबर बी स्क्वायर बाई आर मिल जाता है। अब होता क्या है कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन विद टाइम, यदि कोई गाड़ी इस पे अलाइनमेंट पे चल रही होती है, जहां पे ट्रांजिशन कर्व के अलाइनमेंट पे चल रही होती है, तो उसमें आर की वैल्यू चेंज होते जाएगी, मींस जो एक्सलरेशन है, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन, उसके वैल्यू बढ़ते चले जाएंगे। तो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन गिवन बाई ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन इन टाइम टी, जो कर्व पे चलने में जो टाइम लैप्स होता है उसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा, दैट इज ए बाई टी डिनोटेड बाई सी ए बाई टी, एंड वी नो ए इज वी स्क्वायर बाई आर, सो वी कैन से ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी, एंड दिस टाइम इज कंज्यूम्ड इन ट्रेवलिंग टू दैट ट्रांजिशन कर्व। तो जो ट्रांजिशन कर्व का मान लीजिए लेंथ एल एस है एंड इट हैज टेकन टाइम टी, तो उसकी स्पीड निकल जाएगी, दैट विल बी वी, और वी कैन से एल एस ओवर वी इक्वल टू टी। सो लेट अस इनपुट टी हियर, सो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एल एस over v, then this will be vq upon r into length of transition curve, this is length, ls is a length of transition curve, so meter per centi per second cube. So the centrifugal acceleration per rate of centrifugal acceleration will be vq upon r into length of transition curve. So we can say ls is equal to vq upon cr, and irc mein c ki value di gayi hai empirical formula ke jaise, c is equal to 80 upon 75 प्लस वी मीटर पर सेकेंड क्यूब। सी की वैल्यू यहां पे दी गई है, वी की वैल्यू हम लोग मीटर पर सेकेंड में डाल दें, देन वी कैन गेट द ट्रांजिशन लेंथ। यदि ए तो है, व्हेन बी की वैल्यू है मीटर पर सेकेंड में, यदि इसको हमको किलोमीटर पर आवर में लेना है, तो वी कैन से वी अपॉन 3.6 टू द पावर क्यू अपॉन सी इंटू आर, सो इट विल बी वी कैपिटल वी अपॉन 46.5 सी इंटू आर। हियर वी कैन डायरेक्टली इनपुट द जो भी वेलोसिटी दी रहे, स्पीड जो भी दी रहे, जो भी स्पीड दी रहे उसको इन किलोमीटर पर आवर में कर देने से हम लोगों को डायरेक्ट निकल जाएगा, या वी कैन कैलकुलेट इट आल्सो फ्रॉम हियर। थ्री पॉइंट सिक्स इक्वल टू 46.656, सो वी कैन टेक वी वैल्यू ऑफ वी 46.5 सी। एक्सेलरेशन रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड आर द रेडियस ऑफ कर्व, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर। एक एग्जांपल एक सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालते हैं। किसी व्हीकल की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व 225 मीटर है, तो वी नो दैट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज वी क्यू अपॉन 46.5
into C into R, and C we can calculate. C is given by 80 upon 75 plus B, और इसका मान जो है वो 0.5 टू 0.8 के बीच में होता है. तो 80 अपॉन 75 प्लस 65, सो 80 अपॉन 140 एंड इट विल बी इक्वल टू 80 अपॉन 140 इज इक्वल टू 0.571. Which is well within the limit of 0.528 to 0.8. It depends upon the speed. It is an empirical formula, so we must check whether the value is in between 0.5 to 0.8 or not. If it is not there, then we have to judiciously take the value between the 0.5 and 0.8. So let us input. This will be 65 cube upon 46.5. Value of C is 0.571 and value of R is given 225 meter. So we can calculate length of transition curve. Say 65 into 65 is equal to 274625 divided by 46.5 into 0.571 into 225, which is equal to 5974.0875. So we can 274625 divided by 5974.08. So 45.96 meter transition length will be required from the straight road to the complete circular curve start होने के बीच में जो transition curve की length होगी that will be 49.6 based upon एक जो value है based upon the centrifugal acceleration C is equal to A by T. So, and value of C is given 80 upon 75 plus V should be between 0.5 to 0.8. Now, super elevation. जो super elevation दो तरीके से provide किया जाता है. यदि हम लोग कोई 7.5 मीटर की एक हाईवे है जिसका विड्थ 7.5 मीटर है, देयर इज अ कैम्बर इन बिटवीन. सो वी इंट्रोड्यूस द सुपर एलिवेशन बाय फ्रॉम द सेंट्रल लाइन इटसेल्फ. एक एज को हम लोग सेंट्रल लाइन नीचे ले जाते हैं, दूसरे को रोटेट. जो भी हमने सुपर एलिवेशन कैलकुलेट किया होता है उसका ई बाई टू से उसको सेंट्रल लाइन से नीचे ले जाते हैं, दूसरे पार्ट को सेंट्रल लाइन ऊपर ले जाते हैं. इसका एडवांटेज है कि सेंट्रल लाइन जो भी अलाइनमेंट की है वो चेंज नहीं होती है, बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि यदि ये कहीं जहाँ पे रोड, यदि हम हमारा ये लेवल ऑफ सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन का लेवल है, तो ये ई बाई टू अमाउंट से जो भी उसका सुपर एलिवेशन का अमाउंट है विड्थ के साथ में उतना नीचे चला जाएगा तो ड्रेनेज प्रॉब्लम हो सकती है. ये तब नहीं होगा जब एम्बैंकमेंट इज ऑलरेडी इन हाई एम्बैंकमेंट प्रोवाइडेड है, तो वहाँ एक समस्या नहीं आएगी, बट यदि वो लेवल लेवल फील्ड है तो वहाँ ड्रेनेज की समस्या आती है. तो इसके लिए
और डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन इसको प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा होता है कि हम जो एज है, जो उसका एज है रोड का जो एज है, इनर एज, इनर एज को हम लोग सेम लेवल पे रखते हैं और उसका ग्रेजुअली आउटर एज, आउटर एज को हम लोग ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाते हैं। जहां पे सुपरवाइजेशन जरूरत ग्रेजुअली जीरो से स्टार्ट करेंगे उसको बढ़ाते चले जाएंगे, सर्कुलर कर्व पे वो पूरा अटेन कर लेगा जो उसकी सुपरवाइजेशन की वैल्यू होगी। तो बाई रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इनर एज दूसरा दूसरे तरीके से प्रोवाइड करते हैं। जनरली हाई एज में होल एंड डिवाइडेड कैरेज में इस तरह के ही सुपरवाइजेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वन इज रोटेटिंग अलॉन्ग सेंट्रल लाइन, इसमें क्या करते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है सेंट्रल लाइन की, इट कैन बी इजिली सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग में कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर्व में कोई चेंजेस नहीं आता है। बट इसमें क्या होगा कि चूंकि इनर एज पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो सेंट्रल लाइन ये चेंज होती चली जाएगी। तो उसको भी क्या कहते हैं डिजाइन के समय में इस चीज का ध्यान रखना है कि हम आइदर वी आर रोटेटिंग सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग और वी आर रोटेटिंग अलॉन्ग द इनर एज, तो उसमें सेंट्रल लाइन चेंज होगी। इसमें इसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी, इसमें तो जो ड्रेनेज प्रोवाइड है, जो ड्रेन प्रोवाइड है उसी से काम चल जाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रांजिशन लेंथ है, दिस इज ए ट्रांजिशन लेंथ, जो कि हम लोग पीछे जैसे कि कैलकुलेट किए ट्रांजिशन लेंथ हम लोगों ने एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बेस पे पता किया। दूसरा ट्रांजिशन लेंथ की भी ऐसे भी आवश्यकता होगी यदि हमारा यहाँ सुपर एलिवेशन है और सुपर एलिवेशन को हमको एक लेंथ की जरूरत होगी जहाँ जीरो वैल्यू से उसको हम फुल सुपर एलिवेशन पर लेके आएंगे। वो आईआरसी में 1:150 दिया है, मतलब कि 150 मीटर में 1 मीटर बढ़ा सकते हैं अलॉन्ग द कैरेज वे। तो जो उसकी सुपर एलिवेशन बढ़ेगा इट कैन नॉट बी अब्रप्टली, इट हैज टू टेक 1:150। तो इसके लिए हम लोग सुपर एलिवेशन की वैल्यू के साथ में भी इस ट्रांजिशन लेंथ को चेक कर लेते हैं कि जो हमने सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को काउंटर ऐड करने के लिए ट्रांजिशन लेंथ कैलकुलेट किया है क्या उसी में सुपर एलिवेशन हो जा रहा है या उसके लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी या कम जरूरत पड़ेगी। तो कम जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं, हम लोग उसी को प्रोवाइड करेंगे जो जो भी ज्यादा होगा, मतलब कि यदि इसके लिए हम कैलकुलेट करने के ज्यादा है देन वी विल बी प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन के क्राइटेरिया से जो ट्रांजिशन लेंथ रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि कोई रोड यहाँ पे आ रहे हैं 7.5 मीटर रोड, यहाँ से हम लोगों को तो, अब यहाँ से ग्रेजुअली क्या होगा कि हमको कितनी जरूरत पड़ेगी वो तो कैलकुलेट हो जाएगा कि सुपर एलिवेशन हमको कितने कितना प्रोवाइड करना, ट्रांजिशन लेंथ में सुपर एलिवेशन का पार्ट कितना होगा वो तो हमें 20.225 आर से पता लग जाएगी। वहाँ पे हम क्या करेंगे चेंज करना चालू करेंगे, पहले जो उसका आउटर एज होगा उसको पहले हम लोग लेके आएंगे जीरो पे, जो भी लेंथ हो दैट शुड बी 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जीरो पे लेके आएंगे। देन जो उसका ओरिजिनल क्रॉस स्लोप है उसको मिलाएंगे, उसके बाद में देन क्या करेंगे हम लोग उसको रोटेट सेंट्रल लाइन के अलावा रोटेट करते चले जाएंगे टिल इट अटेन्स द फुल सुपरवाइजेशन। तो जहाँ पे उसका जो ओरिजिनल क्रॉस स्लोप जीरो आता है उसे हम लोग ट्रांजेंट रन आउट कहते हैं, वो लेंथ को हम लोग ट्रांजेंट रन आउट, उसके बाद की लेंथ को ट्रांजेंट रन ऑफ लेंथ कहते हैं। और ट्रांजेंट रन आउट में मतलब कि जो नेचुरल सुपरवाइजेशन ऑलरेडी रोड के साथ प्रोवाइडेड है उसको जीरो होने में जो डिस्टेंस कवर होती है दैट डिस्टेंस ट्रांजेंट रन आउट और ट्रांजेंट रन ऑफ दोनों के डिस्टेंस को मिला करके ट्रांजिशन कर्व लेंथ की रिक्वायरमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ट्रांजिशन रन आउट में कितनी लेंथ लग जाएगी एंड सुपर उसको फुल सुपर एलिवेशन अटेन करने में फ्रॉम दैट टू द सुपर एलिवेशन अटेन करने में जितनी लेंथ लगेगी उसको दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद में जो लेंथ होता है एक वो भी ट्रांजिशन लेंथ हो जाती है। फिर हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के से कैलकुलेटेड ट्रांजिशन लेंथ है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है, जो हमारा इससे सुपर एलिवेशन के द्वारा है और एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा है, जो भी ज्यादा होगा वो हम लोग ट्रांजिशन लेंथ प्रोवाइड करेंगे इन द हॉरिजॉन्टल लाइन के चेंज इन डायरेक्शन में। सो बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल फार्मूला,
इम्पिरिकल फार्मूला बोलता है कि यदि हम प्लेन टेरन में है तो दैट शुड बी 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, वी इज इन किलोमीटर पर आवर। और जब हम क्या कहते हैं उसमें है माउंटेनियस में है तो वी स्क्वायर बाई आर से हम लोग ट्रांजिशन लेंथ कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है। तो एक बेस्ट मास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, बेस्ट अपॉन द सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इन सर्कुलर कर्व, बेस्ट अपॉन द एम्पिरिकल फार्मूला, इसमें जो सबसे ज्यादा होगा उसी ट्रांजिशन लेंथ को हम लोग फर्दर फील्ड में एप्लीकेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, सबके लिए यूज करेंगे। तो थैंकिंग यू विद दिस आई होप दैट ट्रांजिशन कर्व के लेंथ निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्दर वी विल बी टेकिंग अप सम एग्जाम्पल, सम सॉल्व सम एग्जाम्पल एंड प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन देखेंगे कैसे करते हैं। Thank you. So, this is important slide. It can be taken. Screenshot can be taken.